आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोटैटो सैंडविच की रेसिपी। इस सैंडविच को बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और आप इस सैंडविच को बच्चों की टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर एक पैन को रख दिया है। अभी इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल। अभी ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा, और डाल देंगे इसमें 1 कटी हुई हरी मिर्च, और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज की प्याज को काट के। और प्याज को डालने के बाद अभी प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है, इसमें डाल देंगे कटी हुई शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं शिमला मिर्च को मैंने अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अभी इसमें डाल देंगे बॉयल आलू को। तो हाथ की मदद से इस तरह से थोड़ा मैश करके डाल देंगे। तो मैंने सभी आलू को डाल दिया है, और अभी आलू को 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अभी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और इन सभी मसाले को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इनको अच्छे से फ्राई भी कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो आलू के अंदर अच्छे से चला जाए। तो अभी देख सकते हैं मैंने आलू को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अभी इसमें डाल देंगे कटी हुई हरा धनिया, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए हमारा स्टफिंग जो है वो बनकर तैयार है। तो अभी स्टफिंग को रख देंगे साइड पे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, और चलते हैं दूसरी तैयारी करने। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ब्रेड। तो मैंने यहाँ पे सिंपल नॉर्मल ब्रेड ले लिया है। तो अभी ब्रेड को इस तरह से रखेंगे, और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ग्रीन चटनी, और अच्छी तरह से ब्रेड पे ग्रीन चटनी को लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्रीन चटनी को लगा लिया है, और यहाँ पे मैंने ले लिया है दूसरा ब्रेड। अभी दूसरे ब्रेड पे लगाएंगे पिज्ज़ा सॉस। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ले लिया है पिज्ज़ा सॉस। तो अभी इस तरह से पिज्ज़ा सॉस को लगाएंगे। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस ना हो तो आप इसमें टमाटो केचप या टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। तो अच्छी तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों ब्रेड पे दोनों सॉसेस लगा लिया है। तो इस समय आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो चीज़ खाना तो आप इसमें चीज़ डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो मैंने जो स्टफिंग बना के रखा था ना वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो स्टफिंग को इस तरह से डालेंगे, और उसके बाद दूसरी ब्रेड को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके दबाएँगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सैंडविच बनकर रेडी है। तो इस तरह करके दूसरे सैंडविच को बना लेंगे। तो पहले ब्रेड पे ग्रीन चटनी लगाएंगे, बाद में स्टफिंग को डालेंगे, और ऊपर से ब्रेड को दबाते हुए इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे सैंडविच को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अभी है इनको फ्राई करने की बारी। तो इनको रख देंगे साइड पे। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक तवा। अभी तवा को थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें सैंडविच को डाल देंगे। तो जितना तवे पे आ सके उतना डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया है 3 सैंडविच को, और अभी इसमें डाल देंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके तीनों साइड रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो मेरे पास बटर नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। अगर आपके पास बटर हो ना तो आप इसमें बटर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से दबाते हुए अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इस तरह करके धीरे से पलट देंगे सभी सैंडविच को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तीनों सैंडविच को पलट दिया है, और दूसरे साइड को फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो फिर से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे ऑयल, और अच्छे से इस तरह से दबाते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। तो अभी देख सकते हैं दूसरा साइड भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, ये देखिए।
दूसरा साइड भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अभी सैंडविच को निकाल लेंगे प्लेट पे। तो अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है एक सैंडविच को और इस तरह से चाकू की मदद से धीरे से कट लगा लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी एंड मज़ेदार हमारा पोटैटो सैंडविच बनकर तैयार हुआ है, देख सकते हैं। तो इस सैंडविच को आप टमाटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाय फ्रेंड्स।